शुभ अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, आपको प्रणाम और बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद। छोटी सी बात पहले शुरू करूंगा, उसके बाद मैं सत्संग शुरू करूंगा। हम छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे आप भी होते होंगे, तो हमारे घरों में माताएं चावल बनाया करती थी, मीठा मीठा चावल, उनको कुनमें चावल कहती थी। तो वो ऊपर वाले तो जल्दी जल्दी जिनको ज़्यादा सवाल लेना होता था, ऊपर वाले ये लेते थे, उसके नीचे एक चावल रहते थे, उसके नीचे तो उसके सबसे नीचे एक चावल होते थे। मैं उसको ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि वो कुरकुरे होते थे और बहुत मीठे होते थे, और वो मीठा चावल जो सबसे नीचे था वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो सबसे मीठा नीचे वाला चावल सबसे बाद में निकलता है, मैं वो मीठा चावल हूँ, जरा खा के देख लेना। सबसे पहले बैसाखी के ऊपर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कुछ वचन कहे हैं, कुछ उनके बहुमूल्य वचन हैं, मैं पहले आपको वो सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा। शर्मा जी, मैं अपने सदगुरु के कुछ वचन सुनाना चाहता हूँ जो उनके अपने लिखे हुए हैं, उनके हाथ से लिखे हुए हैं और वो छपे हुए हैं बारहमासा में। ये लड़का आपको पढ़ के सुनाएगा, फिर मैं सत्संग शुरू करूँगा। राधा स्वामी गुरु मालिक राधा स्वामी दयाल की रह, राधा स्वामी सहाय। बैसाख मास वर्णन भेद काल मत और दयाल मत का और प्रकट होना सब लोग का और रचना तीन लोग की और कारण फैलने काल मत और गुप्त रहना संत मत के का अनुमान लगाओ कि कौन
है, अगर नहीं आता तो संत नहीं आता। जिसको ये परिस्थितियां दुख नहीं देती वही काल के परे हैं। उस पर समाज के उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ता और वो रस रहता हुआ जीवन गुजारता है। ऐ संत कहलाने वालों, सोचो क्या तुम संत हो? और ऐ संतों पुजारियों, तुम आप देखो कि जिनके पीछे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हो वह संत हैं। मैं जब सोचता हूँ आश्चर्य में डूब जाता हूँ। जिसको देखो वह गुरु बनने का दावा कर रहा है। आहा, इस व्याख्या के पढ़ने वाले पोर्टल में कोई एक संत होता है, अब गत्ती पत्ती का नाम हो गया। सज्जनों, संत वह है जिसे हर्ष को नहीं जापता, उसकी अतिरिक्त और कोई संत कहलाने का अधिकार नहीं रखता। ऐ गद्दी पतियों, दुनिया को धोखा मत दो, क्योंकि लोगों का आकाश हो रहा है। मेरी सारी आयु गुजरने को आई, राधा स्वामी मत में आए हुए बहुत वर्ष बीत गए, मगर अपने आप को अभी पूर्ण रूप से संत अथवा फकीर नहीं कह सकता। अपने वाणी सुन ली, बाबा फकीर ने कितने दर्द से बात कही है। उनके श्री चरणों में मेरा बहुत सा जीवन बीता है और उनका हाथ मेरे सिर पर है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया मांगी नहीं है मालिक से, अपने गुरु से मैंने दुनिया नहीं मांगी। 18 साल का था, दुनिया का तो पता ही नहीं था। मैंने उससे क्या मांगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ इतना मुझे बता दो, भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो, ये था। और वो रास्ता क्या मिला आज बैसाखी के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, तुम उसकी गोद में रहकर अपना जीवन खुशी से गुजार सकते हो। अब ध्यान से सुनना, यह ब्रह्मांड है पूरा। शास्त्रों में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। ये मैं साबित करने जा रहा हूं। विज्ञान का युग है, बातों का युग नहीं है। आज साइंसदान है, वो सवाल करते हैं, उन सवालों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। ये ब्रह्मांड क्या क्या है? क्या ये ब्रह्मांड पृथ्वी है, सागर है, पानी है, अग्नि है, सूर्य है, हवा है और आकाश है, 5 तत्व। इससे ज़्यादा तो ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अगर कुछ और है तो वो नज़र नहीं आता। जो कुछ भी होगा वो नज़र तो आता नहीं है, लेकिन पृथ्वी हम देखते हैं, पानी हम देखते हैं, सूर्य हम देखते हैं, हवा चलती देखते हैं और आकाश भी हम देखते हैं। 5 तत्व हैं और 5 तत्व ही हमारे इस शरीर में है। ये शरीर काहे का बना है? मिट्टी का, जल का, अग्नि का, वायु का और आकाश का। पढ़ के देख लो और अंदर जाके देख लो, ये 5 चीज़ें आपके शरीर में हैं। तो हम क्या हैं? एक बड़े ब्रह्मांड में छोटा सा ब्रह्मांड हम हैं। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। इतने बड़े ब्रह्मांड को, इसलिए कबीर साहब ने कहा, जल विच मीन प्यासी, मुझे देख सुन सुन आवे हासी। जल में हम उसमें रह रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं। मछली जल में रहती है वो प्यासी है, लेकिन प्यासी जब उसको पानी की जरूरत होती है वो क्या करती है? उल्टी हो जाती है। उसके गले में जहाँ एक बल्ब लगा होता है वो नीचे गिर जाता है, पानी पी लेती है। अगर तुम भी सुखी रहना चाहते हो
तो दाता दयाल कहते हैं तुम उल्ट चलो समान नीचे क्यों रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिरके पर चलना है। जो बताऊंगा आगे बताऊंगा क्या है वो, तो क्या है आगे बताऊंगा। तो हमारा शरीर भी पांच तत्व का है। इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है, ये सब मानते हैं। उस हस्ती को किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने उसको गुरु कह दिया, किसी ने उसको वाहिगुरु कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको गॉड कह दिया। अलग अलग नाम उसके रख दिए, रखे है ना। सब धर्मों ने अपने अपने तरीके से उस हस्ती का नाम रखा है, लेकिन वो हस्ती नजर नहीं आ रही है, किसी ने उसको देखा नहीं है। उसका अनुभव किया जा सकता है, वो कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। अब अगर इस ब्रह्मांड को कोई हस्ती चला रही है तो ये भी तो ब्रह्मांड है, ये भी ब्रह्मांड है ना, तो इसको भी कोई हस्ती चला रही है। उस हस्ती के कारण सूर्य चढ़ता है, सूर्य डूब होता है, जमीन घूम रही है, तारे घूम रहे हैं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अंधियार, सब कुछ उसके हुक्म नाल हो रहा है, कोई और नहीं कर रहा। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तो हमारे अंदर भी फिर कोई हस्ती है, क्या कहा मैंने। तो परमदयाल जी महाराज ने हमें बताया कि वो हस्ती क्या है। उसको तो तुम जान नहीं सकते, उसको नहीं जान सकते। तुम बताया करते थे कि हमारी माताएं होती थी, माताएं, वो उस वक्त स्टील के कुकर नहीं होते थे, कोई बर्तन बड़े नहीं होते थे। अब तो स्टील आ गया, मिट्टी के बर्तन सब खत्म हो गए, तो वो दाल मिट्टी की बर्तन में बनाया करती थी। ये बाबा फकीर की वाणी बता रहा हूँ मैं। तो घर में एक भड़ोली बनाई हुई होती थी, उसमें ये उपले गोबर के, जिसको पंजाबी में पाछी कहते हैं, वो लगा देती थी। उसको लगा दिया, उसमें आग रख दी, और उसके बाद उसमें फिर एक अपना बर्तन पानी भर के रख दिया जितना चाहिए, दाल धोली, उस दाल में मिर्च भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, और वो उसमें डाल देती थी, डालकर आग लगा दी, और ऊपर ढक्कन हवा वाला लगा देना जिससे हवा निकलती जाए। तो सारा काम करना, हमने देखा अपनी माता को ऐसे करते थे, तो सारा काम करना, आधे घंटे के बाद जब उसको तो पता होता था कितनी देर में दाल बन जाएगी, तो वो आती थी, आगे एक चमचे से दो दाने या एक दाना निकालना, उसको ऐसे ऐसे देखना, बन गई हाँ दाल बन गई, और मुँह में डाल के देखना, स्वाद भी, नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, आवाज़ देने, बच्चों आओ दाल बन के रोटी खाओ। बाबा फकीर ने कहा कि अगर इतनी बड़ी दाल, बड़े बर्तन की दाल के एक दाने को देख कर माँ ने सारी दाल देख ली, तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर एक सुरत रूपी ताकत बैठी है, तुम्हारे अंदर उस माल के कुल की एक अंश बैठी है, उस अंश को देख लो, तुम उसको देख लोगे। कहाँ उसको ढूंढते फिरते हो। अब मैं मिसाल दे देता हूँ, अब आपको साइंटिफिकली समझा देता हूँ। तुम अपने अपने शरीर को देखो। मैंने कब देखना शुरू किया, जब मेरे सदगुरु ने मुझे आदेश दिया, बेटा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने आप अपने मन को पढ़ना। जब मैंने अपने मन को पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा मन उसमें कुछ भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि तुम क्लियर हो जाओ। तुम्हारे शरीर में नब्ज चल रही है, तुम्हारा मन चला रहा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा मन चला रहा है, तुम रोटी खाते हो, क्या तुम रोटी को पचाते हो, तुम दूध पीते हो, क्या तुम दूध का पानी बनाकर निकालते हो बाहर। विचार करो क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी हस्ती के अधीन है। जीवन और है, हस्ती और है। वो हस्ती क्या है, कबीर ने कहा, वो हस्ती क्या है, कबीर धारा अगम की
सतगुरु दे लिखाए। कबीर धारा अगम की, धारा मीन ऊपर से धारा आई है। कबीर कहते हैं ऊपर से धारा आई, मुझे सतगुरु ने वो दिखा दी कि वहां से कौन आया, तुम आए। कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, ताहे उलट ऊपर धारा का क्या बना दिया राधा, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए, वो तुम्हें स्वामी के संग मिलाएगी जो यहाँ है। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को पकड़ते था। तुम्हारा शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तुम खा सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम बोल भी सकते हो और तुम ये सुन भी सकते, लेकिन क्या वो सुनने वाले तुम हो? इस बरामदे में बैठे थे हम, इस बरामदे में मैं तो जब आ जाता था उनके पास ही रहता था, घर भी चल जाता था। तो परमदयाल जी महाराज ने हमें किस तरह से समझाया वो सुन लो। कहते एक लड़का नौजवान सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई, उसकी टांग ऑफिस ऊपर निकल गई और टांग उसकी टूट गई। वो हाय हाय कर रहा, हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा इसके माँ बाप को बुलाओ, इसकी टांग काटनी पड़ेगी नहीं तो ये मर जाएगा। माता आ गई, पिता आ गए, वो कहते देखो माता जी तुम्हारे लड़के की टांग का बहुत बुरा हाल है, अगर लड़के को बचाना चाहते हो तो टांग काटनी पड़ेगी नहीं तो ये मर जाएगा। वो कहती मेरा लड़का बच जाए महाराज, डॉक्टर साहब मेरा लड़का ना मरे, मेरी टांग काट दो, टांग काट दी। टांग काटने से पहले टीका लगाते हैं, वो टीका लगाया, वो पहले होश में था, फिर क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। अब ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है, लेकिन वो जिंदा है, मरा नहीं है। तो हुआ क्या, फिर हुआ क्या, कौन सी चीज है, वो कहां चली गई? टीका लगाने से वे सारा शरीर सुन हो गया और वो यहां चले गए। बात समझ रहे हैं? वो जो होश है उसको संतों ने उसका नाम रखा सुर, चेतनता। चेतनता, तुम चेतवान हो, तुम सुरत रूप हो, तुम मन रूप नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा रूप भी नहीं हो। शरीर हमारा सबल ब्रह्म से बना है, ठोस पदार्थों से, खाने से बना है। शरीर हमारा सबल ब्रह्म से बना है, मन हमारा शुद्ध ब्रह्म से बना है। ये बड़े मन का इच्छा, एक इच्छा है बड़े मन का इच्छा। बात बहुत लंबी है लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप लोगों को टाइम भूख भी लगी होगी, तो आप लोगों का समय मैं नक्शल में बताना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि वो जो सुरत है, वो जो हम जो देखते हैं सुनते हैं, उसका नाम संतों ने सुरत रखा, किसी ने उसका नाम चेतना रखा, किसको उसका नाम परम उस मालिक की अंश कहा, अंश है, हम उसकी अंश है। हमारा शरीर भी उसकी अंश नहीं है, हमारा मन भी उसकी अंश नहीं है, हमारी आत्मा भी उसकी अंश नहीं। तो मैं बता रहा था शरीर सबल ब्रह्म है, मन शुद्ध ब्रह्म है और आत्मा पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म की अंश है, प्रकाश है, आत्मा कुछ नहीं प्रकाश है। और आगे जो चीज है वो शब्द रूप है, इसलिए गुरबाणी में लिखा है शब्दो धरती शब्दो काश शब्दो शब्द भया प्रकाश, ये सारा प्रकाश उसकी कृपा से हो रहा है। क्या कहा मैंने? तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है, जब तक तुम होश में हो, जब तक वो चीज तुम्हारे अंदर है जो माल के कुल की अंश है। फिर मैं कह देता हूँ परमात्मा क्या है, हमारी जहाँ से आत्मा आई वो परमात्मा है, वो अकाल पुरुष नहीं है। अकाल पुरुष बहुत दूर है, वो काल से परे है, वो अनुभव करने से पता लगता है कि। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये शरीर पांच तत्व का बना है, इसमें पांच काल भी रात में बताया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये पांच तत्व का पुतला उसके बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको जानो।
तुम उसकी गोद में चले जाओगे। अगर उसको नहीं जानोगे, पढ़ते रहो, बोलते रहो, जो मर्जी करते जाओ, जब तक तुम अपने आप को नहीं देखोगे, तुम नहीं अपने आप को पहचान, उसको मालिक को नहीं जान सकते। इसलिए बाबा जी ने कहा, बेटा जब तक ना देखो अपनी नैना, तब तक ना मानो गुरु का बहना। गुरु की बात को तब मानो जब तुम अपनी आंखों से देख लो कि हाँ ये बात ठीक है, जो देखी है वो कह रहा हूँ मैं आपको। इस शरीर में जाओ, जो पांच नाम जपने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, पांच नाम बहुत दुनिया में लिया हुआ है, पांच नाम तुम्हारी दुनिया बना देगा। पहले स्थान पर जाओगे, तुम्हारे मन में शक्ति आ जाएगी, जो मांगोगे मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मन में शक्ति है। वॉट एवर देर इज डिमांड, देर इज एक सप्लाई। जो डिमांड होगी वो सप्लाई आएगी, एक ना एक दिन जरूर आएगी। लेकिन याद रखना, पहले मन को साफ करो, पहले मन को साफ करो। और नाम स्मरण करते हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, कामना भी है, वैर भी है, विरोध भी है, भय भी है, तुम और बढ़ जाओगे। कामना बढ़ जाएगी, तुम लालची ज़्यादा हो जाओगे, तुम लोभी ज़्यादा हो जाओगे। इसलिए स्वामी जी महाराज जो हमारे तुलसी साहब हुए, उन्होंने कहा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको पाने के लिए। दुनिया को छोड़ो, ये तो तमाशा है, उसका खेल है, मंडोला चल रहा है, उसमें सब हम घूम रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दुख कभी सुख। और दुख सुख तब तक है जब तक मन में है। मन ही दुख सुख पैदा करता है, तुम्हारा ख्याल ही दुख सुख पैदा करता है, वरना दुनिया उस मालिक के दरबार में कोई दुख सुख नहीं है। वहाँ तो आनंद है, वहाँ तो शांति है, वहाँ तो परमानंद है। वो बहुत क्या मैं कहूँ आपको, गुरबानी कहती है, सो दर के हा सो घर के हा जा मैं सर्व संभाले। वो करता किसी ने पता ही नहीं, सब दुनिया उधर से समाई जा रही है। क्या कहा मैंने, तो मैंने आपको साबित किया। अब सबूत देता हूँ दाता दयाल की वाणी का। पहली बात, सारी दुनिया उस मालिक को याद नहीं करती। पहली बात, कलयुग में पूजा कर्मकांड ये सबसे ज्यादा प्रधान है। जबकि कबीर साहब ने सब, स्वामी जी ने सबका खंडन कर दिया, कबीर साहब ने भी खंडन कर दिया, संतों ने खंडन कर दिया, फिर इन पूजा पाठ से तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला। तीर्थ यात्रा करो, व्रत रखो, तप करो, जप करो, दान दो, पूजा करो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये मन के लेवल की चीज़ है। तुम्हें मानसिक सुख मिलेगा, असली सुख और असली शांति तुम्हें नहीं मिलेगी। अब दाता दयाल कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे अपने अंदर है। कहाँ है, जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ उसके बारे में कोई नहीं बताता। सब हमें कहते हैं परमात्मा, कहाँ ढूंढो कहाँ है। कबीर साहब ने कह दिया, जो दिखे सो है नहीं, जो नजर आता है वो है ही नहीं, जो है सो दिखे नहीं। वो मालिक नजर नहीं आता लेकिन वो है। उसको कहाँ मानना पड़ता है, कहाँ मानना पड़ता है, गुरु में मानना पड़ता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। और फिर क्या करना पड़ता है, विश्वास। क्या गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, जो गुरु ने कहा वही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु के रूप का करो। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करनी है तो गुरु के चरणों की करो। लेकिन वो ये चरण नहीं है, ये चरण नहीं है, वो चरण तुम्हारे अंदर है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष उसकी कृपा से ही होगा, पूजा से नहीं होगा, दंडवत करने से नहीं होगा, योग योग करने से नहीं होगा, तीर्थ स्नान करने से नहीं होगा। जो कुछ है वो तुम्हारे अपने अंदर है। और कहाँ लिखा है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे अपने शरीर में है, ब्रह्मा तुम्हारे शरीर में,
विष्णु तुम्हारे शरीर में, शिव तुम्हारे शरीर में, शक्ति तुम्हारे शरीर में, बाकी देवताओं की तो बात ही मैं क्या करूँ, सब शरीर में छाए हुए हैं, बाहर कुछ भी नहीं। लोगों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब ने कहा। दाता दयाल लिखते हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। सब संतों ने कहा, गुरु ने भी यही कहा, बच्चा मैं तेरे घट में हूँ। और वो गुरु कौन है, घट में घट घट में घट खिलाए दे सो सतगुरु पुरुष सुजान। मैं उस सतगुरु के चरणों में बैठा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे ये भेद दिया कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्या कहा दाता दयाल जी का शब्द सुन लेना ध्यान से, जैसे कि तुझी को खोज है, जैसे कि तुझी को खोज है, वह मरगत तेरे मन में है। अगर अगर तुम्हें उसको मिलने की जरूरत है, ये नहीं कि मुझे जे मिल जाए, मुझे जे मिल जाए दुनिया की आशाएं। मैं देखता हूँ दुनिया आशाएं से भरी हुई है, कोई किसी बात को लेकर बैठा हुआ, कोई किसी, उनको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, उस मालिक पर विश्वास ही नहीं है कि जिसने भेजा है उसने हमें खाली नहीं भेजा, उसने सब कुछ पहले लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ वो मिल रहे हैं, कहाँ भक्त वो उसने खुद तुम्हारे से काम करवाना है, करवा रहा है। तो वो कहते हैं अगर उसको पाना है, अगर उसको पाना है तो कहाँ है, वो तेरे घट में है, तेरे अंदर है। उस मालिक की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया की जायदाद की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की जरूरतों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मिल गया तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ, करके देखो, आजमाओ अपने जीवन को, देखो तुम क्या करते हो, क्यों तड़पते हो, क्यों चिंता करते हो, जरा उसको कह लो जो अंदर बैठा है। परमदयाल जी महाराज ने आखिर में एक बात कही, आखिर में एक बहुत बड़ी बात कही, उसको पल्ले बांधो, इंसान अगर तुम्हें कभी भी कोई कष्ट मुसीबत या जरूरत पड़ जाए तो क्या कर, अपने कमरे में चला जा, ये निका मंदिर में जा, ये निका मानवता मंदिर में आ जा, अपने घर के कमरे में चला जा, आंखें बंद कर ले, अंदर से सच्चा हो जा, क्लियर होके उससे मांग ले, तुम्हें मिल जाएगा, करके देख। क्या कहा मैंने, ये उनका अंतिम संदेश है, कहीं ना भटको। मैंने रात भी आपको सुनाया था कबीर का, कबीर की दो लाइनें सुनाई थी जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दल बदल फिरते, जिनको पता ही नहीं कि वो अंदर है, वो कहाँ भटके हुए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं तालियां बजा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कुछ कर, सब मेला है, सत्संग नहीं है, यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ सत्संग हो रहा है। जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दल बदल फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको बेकरार ही क्या, तुम्हारा तो वो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हें किस चीज की चिंता है, जरा अंदर आगे उल्टा कर देखो तो वो क्या है क्या नहीं है। क्या कह रहा हूँ, दादा ध्यान बता रहे हैं वो कहाँ कहाँ तुम्हारे शरीर में है, बोलो। जैसे कि तुझी को खोज है, परगटवाते Okay।
नाड़ियां हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, तुम्हारा पित्त है, तुम्हारी किडनी है, तुम्हारा लीवर है, तुम्हारी पंक्रिया है, तुम्हारा लंग्स है, तुम्हारा दिल है, उन सब में कौन है? वो बेटा है, उसके कारण धड़कन हो रही है उसके। बाबा फकीर जी महाराज को दाता दयाल ने लिखा, महाराज जी कहते, महाराज जी ने लिखा दाता दयाल जी, दाता दयाल जी ने सतगुरु बाबा फकीर को लिखा, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। तो महाराज कहते, मैं समझता था कि मैं ऐसे बैठता हूँ तो मैं अंदर अपने दाता के दर्शन कर लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ कि दाता मेरे अंदर है, दाता तो मेरे पास है, जब चाह आँख बंद की दर्शन कर लिए। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि बाबा फकीर तू आया, समाधि में आया, साक्षात रूप में आया, हमें दुआई बता गया, हमें लड़का दे गया, हमारा ये कर गया, ये कर गया, ये कर गया, तो दादा कहते मैंने सोचा तो मैं तो गया नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो मुझे समझ लगी कि दादा ध्यान में नहीं आते थे, वो मेरा अपना ही मन था। क्या कहा मैंने, ये उनकी शिक्षा है, मेरा ही मन उनको बनाता है। तुम अपने मन से अपने गुरु को देख सकते हो, तुम बड़े हो गए कि गुरु फिर बड़ा हुआ, दादा कहते थे, तुम बड़े हुए कि मैं बड़ा हुआ, जो मुझे बना लेते हो तुम मेरे से बड़े हो गए, ऐसा कहते थे मेरे दादा महाराज। क्या कहा मैंने, तुम्हारे शरीर के अंग अंग में वो है, आगे इंद्रियों में ज्यादा है या वायु ज्यादा है, कौन सा रोग है अंदर, बोल
आगे खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को। अब दादा दयाल जी कहते हैं कि ये बात दुनिया के धर्म वाले नहीं कहते कि तुम्हारे शरीर के एक एक रोम रोम में वो ही बैठा है, कोई ये बात नहीं कहता। एक ये स्थान है जहाँ कहा जाता है कि इंसान तू अपने आप को पहचान ले, तू कौन है वो पहचान जाएगा, तुम उसकी गोद में चले जाओगे। लेकिन जाना कैसे है वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे। खोल कर कहता नहीं कोई कभी से बात को, अपने आप को समझे, अपने आप को समझे, वह तेरा पापन है। तेरा अपापन, तू कौन है, who are you? तुम्हारा ये जो नाम है ये तो माने रखा हुआ है। अब तो और क्या कहूँ, अब जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम तो इंटरनेट पर देखते हैं, वहाँ से लिख देते हैं। कई मेरे बच्चे मिलते हैं, इसका नाम क्या रखा, मैं कहता मतलब क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं है, नेट खोला, लड़की का नाम देख लिया तो रख दिया। वो तो नाम नाना रखता था जो नाम जब बाबा रखता था उनका, तो भगवान दास, आत्मा राम, भगत राम, क्या कहते हैं ऐसे नाम रख, धनपत राय, गणपत राय, शेर सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, क्या नाम थे। नाम लेते ही जोश आता है और उन नामों को पता लगो इसका मतलब क्या हुआ, बस पता नहीं ना कि अब तक क्यों रखे, क्यों संस्कार ही खराब है, बच्चों को संस्कार ही गलत दिए जा रहे हैं, जिनको अपने नाम का पता नहीं कि क्या नाम होता। नाम में संस्कार होता है, नाम में संस्कार होता है, क्या कह रहा हूँ मैं। इसलिए बच्चों के नाम बुजुर्गों से रखवाया करो, यानी क्या हो गया मेरे देश के लोगों को, क्या हो जाएगा आगे, अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन गलत तरफ जा रही है। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए क्या कह रहे हैं, ए इंसान तू भगवान के पीछे डंडा लेकर मत दौड़, वो नहीं मिलेगा, वो बेअंत है, तेरा अंत कौन जाने, तू तो अपरंपार है, वो नहीं मिलेगा, लगा लो जोर, उतार दो कपड़े, हो जाओ नंगे, दौड़ो, सन्यासी बन जाओ, जो मर्जी करो, वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा तो तुम्हारे घट में मिलेगा, घट में है, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, ये कहा है गुरु ने, मैं तुम्हारे अंदर। और गुरु मालिक का रूप होता है, गुरु मालिक का रूप है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाओ पाओ, बलहारी गुरु अपने जिन गोविंदी मिला, अपना गुरु भी बलहार है और वही मालिक है। मैंने आपको कह दिया गुरु सब कुछ है, गुरु क्या देता है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु समय देता है, गुरु विवेक देता है, और फिर गुरु अनुभव करवा देता है कि बच्चा तू कौन है। जब अनुभव हो जाता है तो वो निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, वो चिंता छोड़ देता है क्या कहा, लेकिन जब वो मन में आएगा तो उसको भी चिंता होगी। मैं बता देता हूँ, परमदयाल जी महाराज कहते थे जब मैं गुरु को भूल जाता हूँ मुझे भी मन में फंस जाता हूँ, मैं भी मेरा भी यही हाल है, कभी कभी जब मैं मन में आ जाता हूँ मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन रास्ता मिल गया कि तू चिंता मत कर, कहे कहे तू कहे चिंता करता बेटा, ये क्या सी लोड चिंता, तू तो पहले ही डिस्चार्ज है, जो कुछ होना होना है आगे। तू कहा किसने करता है भजन किसके लिए, तू कहा पल चिन्ह में है। दादा जी ने फैसला
अपने मन को देख ले, बस अपने आप को देख ले। ये अध्यात्म का सत्संग है, अपने आप को जानने का सत्संग है। इसका दुनियादारी से कोई संबंध नहीं है, दुनियादारी पीछे रह जाती है, वो अपने आप करता है। बात समझ गए? वो नहीं, दुनिया की परवाह नहीं करता, वो हो रहा है। जिसको जो ज्ञान हो जाता है वो अपने आप में ठहर जाता है, और जहाँ ठहराव हो जाता है या बिल्कुल ठहराव, तन थिर मन थिर सुरत निरित थिर होए, कहे कबीर इस पल को पल कल्प न पावे कोई। इसको पाने के लिए समय ही लगता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, अपने जबान के रस को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी आँखों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने कानों को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी खुराक को भी कंट्रोल करना पड़ता है। पहले इन पांच तत्वों, पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बड़ी जालिम है। ये पांच ज्ञान इंद्रियां हमारी आँख कान नाक जीभ से सबरी तक बहुत जालिम है। पहले इनको कंट्रोल कर लो, फिर अंदर जा सकोगे, नहीं तो नहीं जा सकोगे। क्या कहा मैंने आगे? चौथी स्टेज है महासुन। महासुन में
एक शब्द भी दिया है संतों ने, वो तुमको पता ही है कौन सा शब्द है, आप उसको जानते हैं, वह तुम्हारा मन भी सुन हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा। और कई लोग तो डर जाते हैं कि हाय मैं मर चला, मैं मर, मेरा मन भाग में क्या हो गया मुझे, वो छोड़ जाते हैं। छोड़ना नहीं, मन को जाने दो। फिर चौथी स्टेज आ जाएगी भंवर गुफा, वहाँ क्या है तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ना मन हूँ ना मैं शरीर हूँ, मैं तो कुछ और हूँ, मैं तो मैं तो प्रकाश रूप हूँ, क्या कहा मैंने। और फिर आगे एक और आता है सत्याकार, पांचवा, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, तुम सतलोक में पहुँच जाओगे, क्या कहा मैं। फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आँख बंद की अपने अंदर, आँख बंद की अपने अंदर, ऐसे जाओगे अंदर, ऐसे जाओगे। लेकिन इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए करेक्टर चाहिए, सेहत चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अच्छी संगत चाहिए। बुरी संगत में जाओगे तो फंस जाओगे, क्या कहा मैंने। तो ये अध्यात्म की बात मैंने आप लोगों के की है। जिंदगी में कमाई कर लो, बार बार आप बाबा फकीर के परिवार में आए हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि जो लोग YouTube पर भी मेरे दादा को सुनते हैं, बहुत लोग दुनिया सुनती है, हजारों की तादाद में नहीं, आप लाखों लोग सुनते हैं और मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे से पूछते हैं कि बाबा जी ने ये क्या कहा, जो वो पढ़ लेगा उसका दूसरा जन्म नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जो इस पानी के ऊपर चलेगा, जो मैं कह दिया, जिसने अपने आप को झांक लिया, ये तो नहीं देश तेरा देश है बगाना, जहाँ सब बिगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मर्द धार ही तज वो माया, मन की दुनिया से निकल जाओ, ये मन की दुनिया तुम्हें दुख भी देगी, सुख भी देगी, आनंद भी देगी, बीमारी भी देगी, रिश्तेदार सब कुछ देगी, लेकिन सबने तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हारा अपा पानी तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए मैंने छोटे में बहुत कुछ कह दिया, डेढ़ बज गया, अगर मैं कुछ ऐसी बात कही जो शायद आपको पसंद नहीं हो तो वो मेरे लिए छोड़ जाना। आप सुखी रहो, अब भोजन लगेगा, भोजन खाओ, यहाँ प्रसाद अभी बैठेगा, मैं बैठूँगा, बीबियाँ लाइन में आ जाएं, भाई साहब एक लाइन बना दें, सब प्रसाद लेकर जाएं और साथ ही खाना खाएं। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।